बम बम बोले, बम बम बोले, जय भोले की। दोस्तों आप सभी को भोले बाबा का आशीर्वाद मिलता रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, हम भी बहुत अच्छे से हैं। सो गाइज, आपने देखा था, इससे पहले वाला पार्ट आप देख ही चुके हो, मैं मंदिर में आई थी। तो अभी धीरे धीरे करके हमारे जितने भी भोले हैं सब इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। तो अभी हम निकलते हैं, अपनी कांवड़ यात्रा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग अब निकल रहे हैं गाजे बाजे के साथ, अपना अपना जितना भी है जल भरने के लिए सबने अपने अपने लोटे ले रखे हैं। और अभी यहाँ पर आपको मैं मतलब नज़र आऊँगी कि मैंने पैरों पे फुटवेयर पहन रखा है, ठीक है। लेकिन जब हम मंदिर से निकल गए थे तब हम नंगे पैर, ठीक है, चप्पल हमने कुछ भी नहीं पहनी है, पैर बिल्कुल खाली पैर है, और मतलब जिसको नंगे पैर बोलते हैं, हम लोग अब निकल लिए हैं, ठीक है, कांवड़ यात्रा लेके। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं, कितनी दूर है, ये पूरा व्लॉग आपको देखना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको पता चलेगा। और आप भी हमारे साथ भोले बाबा जी को, शिव जी को मनाना चाहते हो और अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हो तो प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखना। डैम श्योर भगवान आपकी मनोकामना, शिव जी आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। तो ये देख लीजिए, हम लोग सभी लोग नंगे पैर हैं, ज़्यादातर लोग इस कोई भी मतलब पैरों पर कुछ भी नहीं पहने थे। और आज धूप इतनी तेज़ थी, बहुत तगड़ी धूप थी आज। अच्छा देखो, होता है ना, जब भी आप अच्छे काम के लिए निकलते हो या फिर आप मतलब भगवान जी से अपनी मनोकामना पूरी कराना चाहते हो तो हमेशा आप देखना, आपको बहुत सी बाधाएं आपके मतलब रास्ते पे आएंगी और भगवान मतलब कुछ अड़चने डालेंगे या फिर कैसे भी करके रुकाना चाहेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों से अगर आप परे हो जाते हो ना तो फिर आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। और अगर आपको नहीं आपको विश्वास है तो आप ये चीज़ अपनी मतलब अपने दिल में ये चीज़ सोचना और आपको ज़रूर लगेगा कि हाँ, हमने जब अच्छा कोई काम के लिए निकले थे तो अड़चने आई थी। एक्चुअली भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि हमारा जो भक्त है वो सच में उसकी भक्ति में मतलब शक्ति है कि नहीं। तो भगवान भी इस चीज़ को आजमाते हैं और उसके बाद ही अपने भक्तों की मन की पूरी करते हैं। तो आप देखना, आपको ये व्लॉग देखने का मन नहीं करेगा लेकिन अगर आपने ये व्लॉग पूरा देखा तो बाबा जी आपकी, भोले बाबा आपकी ज़रूर मनोकामना पूरी करेंगे। तो बस कुछ ऐसा ही है, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पे बड़ी श्रद्धा के साथ बाबा जी की भक्ति में और कांवड़ यात्रा लेके निकल गए हैं। और देखिए आप, कितनी धूप है आज, ठीक है, और अभी बारिश वारिश कुछ भी नहीं हो रही थी, बिल्कुल इतनी तेज़ की धूप थी। लेकिन हम सब श्रद्धालु बाबा जी के जल लेने के लिए, उनको शिव जी में मतलब उनके शिवलिंग में जल चढ़ाने के लिए निकल लिए हैं। अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, वहाँ से जल लेके आएंगे गंगा जी और वहाँ से हम फिर दोबारा उस मंदिर में जाएंगे और वहाँ चढ़ाएंगे। और आगे आप पूरा व्लॉग एंजॉय करो, सबने खूब हम लोगों ने जयकारे लगाते हुए बम बम भोले करते हुए हम लोग पहुँचे हैं, ठीक है।
सावधान साथ में ये तो कोई बात कौन तो था कि जान में चल जाओ ला भाई मारी बोले बाबा जी जयकार हर हर महादेव अच्छा चलिए मैं आप लोग के साथ अपना एक अनुभव शेयर करती हूँ जो इस कांवड़ यात्रा में मैंने महसूस किया। ठीक है, तो बहुत ढेर सारे भोले हमारे साथ में थे, आप लोग देख रहे हो बहुत ढेर सारे भोले थे। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद मैं शिव जी को मतलब शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ा पाऊँगी, बहुत भीड़ होगी, धक्का मुक्की, मैं कैसे चढ़ाऊँगी, बस मेरे मन में यही ख्याल चल रहे थे। ठीक है, और लेकिन हाँ, श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी, बाबा जी के भक्ति में कोई कमी नहीं थी, और बस मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे जल चढ़ा पाऊँगी, इतनी भीड़ है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में बहुत ज़्यादा सफोकेट होता है। तो मैं ये सब सोच रही थी, ठीक है, और मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसे ही होगा। सो यही सब सोचते सोचते हम लोग खैर जिस मंदिर से निकले थे उसी मंदिर में वापस पहुँचे। ठीक है, और वहाँ पर आप लोग ज़रूर देखना, मतलब लास्ट तक देखना जब मैंने शिव जी पे जल चढ़ाया है, और कहीं ना कहीं जब हम मतलब सच्ची भावना के साथ और बिल्कुल सच्चे मतलब मन से किसी के लिए पाप नहीं, किसी के लिए बुरा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, इस भक्ति के साथ अगर हम जुड़ते हैं ना और ऐसे भाव लाते हैं अपने मन में, तो कहीं ना कहीं भगवान हमारी बहुत मदद करते हैं, बहुत बहुत। तो जितना हम उनके लिए सोचते हैं उनको भी अपने बच्चों का उतना ही ख्याल है, ये बात बिल्कुल सच है। मैंने इस कांवड़ यात्रा में ये अनुभव लिया, आप लोग देखिएगा मैंने जल इतने अच्छे से चढ़ाया, इतने इत्मीनान से चढ़ाया है, मतलब कोई धक्का नहीं, कोई मुक्की नहीं, ज़रा सा भी धक्का मुक्की नहीं हुआ है, बहुत देर तक और बहुत अच्छे से मैंने जल चढ़ाया। और इस चीज़ का सच में मैंने अनुभव लिया कि हम जितना सोचते हैं भगवान के लिए, जितनी अच्छी मतलब भावना से हम उनसे जुड़ते हैं, भगवान सच में हमारे साथ उतना ही अच्छा करते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी मेरे साथ बोलिए जय भोले की। और अभी हम जिस मंदिर से निकले थे ना उस मंदिर में पहुंच गए, बाकी आप पूरा व्लॉग देखना, देखना मैंने जल कैसे चढ़ाया है इतने आराम से। और जब मैं जल चढ़ाऊंगी तो आप लोग भी मेरे साथ में जय भोले की ज़रूर बोलना, आपकी मनोकामना भगवान ज़रूर पूरी करेंगे।
फिर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, चलिए मैं आपको मंदिर के बाहर दिखा देती हूँ। आप लोग को पता ही है मैंने तो जल शिवलिंग में चढ़ा लिया, और मेरे जैसे बहुत लोगों ने शिवलिंग में जल चढ़ा के यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं। और अभी यहाँ पे डांस हो रहा है, मतलब थोड़ा सा खुशी में शिवलिंग में जल चढ़ाया है और बहुत अच्छा लगा मुझे तो। ये मैंने पहली बार अनुभव लिया है कांवड़ यात्रा का, मुझे बहुत अच्छा लगा। और भोले बाबा चाहेंगे तो ऐसे ही हर साल होता रहेगा मेरे से। तो यहाँ पे पता ही क्या ना कि अभी हम लोग जल चढ़ा के आ चुके हैं और अभी यहाँ पे सभी लोग डांस कर रहे हैं। अच्छा मैंने भी देखिए यहाँ पे डांस किया था, बहुत डांस किया था, तो ये देखिए। लेकिन ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया, ठीक है। मैं क्या शूट कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड शूट कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और भी बहुत अच्छी हुई कि जिस टाइम पे मैं यहाँ पे पहुँची जल लेके, उसी टाइम पे मेरे पतिदेव जी और मेरे बच्चे दोनों ही पहुँच चुके थे। तो अभी मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी कि बच्चे स्कूल में हैं या फिर पतिदेव जी, ऐसा वैसा कोई टेंशन नहीं थी। सारी टेंशन मतलब भोले बाबा जी ने उतार दी मेरी मैं ऐसा बोल सकती थी। यहाँ पे देखिए बहुत डांस किया, बहुत, तो ज़्यादा तो नहीं शेयर कर सकते, है ना, बहुत देर तक, बहुत अच्छा। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे मतलब शिव जी के बहुत भजन करे, फिर हम सबको प्रसाद मिला और उसके बाद फिर हम अपने अपने घर चले गए थे। तो व्लॉग आप इंजॉय कीजिए, आगे भजन भी सुनिएगा, ठीक है। तो मैं अभी यहीं पे मतलब आपको अब तो मैं यहाँ से बोलना बंद करती हूँ, आप पूरा व्लॉग देखना। अच्छा हाँ, पसंद आए तो लाइक ज़रूर छापना और शेयर कर देना आज के इस व्लॉग को, और प्यारे प्यारे कमेंट करके बताना आपको हमारी कांवड़ यात्रा कैसी लगी, ठीक है। तो प्लीज़ ये ज़रूर करिएगा जो मैं आपसे बता रही हूँ। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय भोले की।